मैं करने जा रहा हूँ मुस्कान के साथ में एक बहुत बड़ा वाला प्रैंक। प्रैंक कुछ ऐसे होगा कि एक्स गर्लफ्रेंड का गिफ्ट आया है। अरे देखना कौन है, गेट पे देखो, कोई है मेन गेट पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दिन पर दिन ठंड कम होने की बजाय और बढ़ रही है, और रात को इतनी तेज बारिश हुई लिटरली अचानक। अगर अब तो हमें इतना ठंड का एहसास हो नहीं रहा क्योंकि हमारा रोमीटर आ गया है, मगर फिर भी मैं लिमिट के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ, ज़्यादा नहीं चला सकते। और अब मुझे टोपा लगाने की ज़रूरत नहीं, बाल आ गए ना मेरे, अब मेरे ठीक आ गए ना बाल, अब कोई ज़रूरत ना आवाई है टोपा वोपा लगाने की, कोई बेइज्जती नहीं करेगा, टकला कह के बता रहा हूँ पहले ही। तो ब्रेकफास्ट करने की तैयारी, आज बहुत दिन के बाद मक्खन लगाया जा रहा है हमारे पापों पर। यार गेट ऐसे खुल रहा है बाहर का, करते हैं इसे बंद। तीनों देखो कैसे खेल में लगे पड़े हुए हैं, खेलते रहो, बाहर ना आ जाना, बस तुम सुन लेना। चाय निकाल के लाओ यार जल्दी, इतना टाइम थोड़ी है। फिलहाल तो हम करते हैं ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म चाय के साथ में, सिके हुए ब्रेड और साथ में पापों पर मक्खन लगा हुआ है, यानी कि बेकर्स पर मक्खन लगा हुआ है। सही है, खाएं। तो उसके बाद से थोड़ा सा काम भी देखना है। आगे आ जाओ यार, इतनी महा लेके बैठी हो पीछे, आगे आओ ना। नहीं मैं नहीं आ रहा आगे, तुम आओ इधर पीछे। ओहो गर्मा गर्म भाप। तो फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, मैं चलता हूँ फटाफट से काम करने, थोड़ा सा काम हैंडल करेंगे और साथ ही साथ में इतने मुस्कान के यहाँ पर खाना वगैरह बनने हो गया है रेडी। क्या हो गया, लग गई हाथ में आलू गोभी बन रही है ना। देखो वैसे बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसी बननी चाहिए। पिछली बार सारी खराब हो गई थी, कहते फाक से मतलब सब सामान मैं कंप्लीट ले आया हूँ, कोई भी कमी नहीं है सामान में, बिल्कुल देखो ध्यान से बनाना। हो जाएगी ये इतनी सी, खा लेंगे। तुम नहीं खाती? हाँ तो मैं ये सब हजम का है, ये घास फूस है तुम्हारे हिसाब से। तो मैं तो यही खाता हूँ, मैं तो सब्जियाँ ही खाता हूँ भाई, मुझे सब्जी अच्छी लगती है डेफिनेटली। अच्छा फेंकने में जाएगा ये नीचे सब? अरे तो मुझे पहले ही बता देती, मैं उससे कटवा के लेके आता, इसका बिना वजह का वेट जुड़ गया। यार ये वेट में काउंट होता है? नहीं तो उनको खिला देता या जो भी होता, मैं तो उससे कटवा के लेके आता, उसने ये भी काउंट कर दिया आधा किलो में। ऐसा थोड़ी होता है, आधा किलो में उसने ये भी काउंट किया यार, आधा किलो से ज्यादा है। खैर बारह लिए और रे, तो भाई इतना इतना देख तो लो यार, कितना कसम से 100 ग्राम का कम से कम वेट होगा ये पूरा, और उसने ऐसे ही चेप दी। अरे वाह यार, क्या मुझे नहीं पता 4 रुपए किलो मिली, मैं तो ले आता हूँ, बस ये भी दे दो वो भी दे दो, कितने हो गए? मैं बता देता हूँ इतनी दे दो, बस इतनी ले आया मैं, ठीक है। मैंने बोल दी उसको आधा किलो दे दो, कहने लगा भाई आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है, और भी सारे सामान लिए। मैंने कहा भाई कितने हो गए, कहने लगा इतना, उसने हिसाब जोड़ा इतने हो गए, ले भाई ले ठीक है छुट्टी। मैं नहीं पूछता रेट वेट क्या, मुझे आदत ही नहीं है पूछने की, पता नहीं शुरू से ही मैं तो कहता ला भाई ला इतने की, ये ला दे दे। सब्जियाँ तो मैंने देखी नहीं यार, क्योंकि मैं अंदर वाली शॉप पर था ना, उसके अंदर वाली शॉप पे था, मैंने उससे अंदर बोल दिया था, वो बाहर से उसने सब निकाल पकोल के सब हिसाब जोड़ पोड़ के कहने लगा लो जी लो इतने हो गए पैसे। मैंने कहा ठीक है बस छुट्टी, मजाकबाजी हो गई बहुत, अब चलते हैं फटाफट से काम करने, ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ मैं काम के लिए। यार अभी तक मैं इससे काफी इंप्रेस हुआ हूँ, इसमें साथ ही साथ में लाइट बहुत है यार, अगर मैं सारी लाइट्स वगैरह सब बंद कर दूँ ना तो इसकी रोशनी बहुत हो जाएगी बहुत। फाइनली खाना वाना बन के हो गया है रेडी, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट प्रॉपरली बुनाई, क्या बात है, जो मैं चाहता था वैसी बनी है खड़ी खड़ी। चलो बना लो, आ गई अब तुम्हें बनानी, मैंने तुम्हें सिखा दी, देख लो बनानी। चलो वेल डन, बना के लेके आओ, टेस्ट करेंगे फिर देखेंगे कैसी है। इसे कर देते हैं ऑन, एक ही बहुत है ना। फाइनली हमारा खाना बनकर आ गया है, रेडी होकर आ गया है, इतनी मुशक्कत के बाद, इतना टाइम लगने के बाद। गोभी क्या है? गोभी आलू गोभी, मैं गोभी गोश्त बोलने वाला था, गोभी आलू गोभी है, साथ में हरा धनिया पड़ा है, रोटी खाएंगे और मजा आएगा, बस चिल करो, टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। उसकी बहुत रोशनी पड़ रही है पीछे, थैंक यू सो मच। हाँ फिर इसमें वीडियो में खाने को बेकार नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह ने दी तौबा। तभी जी का है तो वह तमीज पूरी है। आते हैं भैया खाने की तारीफ है, खाने की तारीफ हो तो खाने की तारीफ होगी, खाने वाले की तारीफ है। शक्ल अच्छी ना हो तो बात भी अच्छी नहीं करते तुम। अभी टाइम हुआ है रात के 9:45 का, खाना वगैरह खाकर पूरा स्पेशली प्रॉपर फ्रेश हो गए थे, और अब मैंने लिया है बड़ा फैसला। बड़ा फैसला क्या है? वो है ये एक बड़ा फैसला, ये गिफ्ट बनाया मैंने, और यहाँ स्पेशल लिखी है मैंने एक प्यारी सी चिट्ठी, जो कि हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी ही देर में। अब इस गिफ्ट में क्या है वो आपको पता चलेगा बाद में, मगर फिलहाल अब बताता हूँ क्या है। मैं करने जा रहा हूँ मुस्कान के साथ में एक बहुत बड़ा वाला प्रैंक। प्रैंक कुछ ऐसे होगा कि एक्स गर्लफ्रेंड का गिफ्ट आया है,
और कनेक्ट करवाएंगे स्पेशली मुस्कान से, तो उसमें रिएक्शन देखेंगे कैसे होंगे और इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी मैं खुद पढ़ के सुनाऊंगा। वीडियो में बने रहिए, काफी मजेदार वीडियो है, काफी मजा आएगा। मुस्कान सुनना लेवेसन, उसको लग रहा है कि मैं बाहर नॉर्मली ऐसे व्लॉग कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। गिफ्ट हमारा रेडी ऑलरेडी बन के हो गया है, यहाँ गेट से गिफ्ट आएगा और कनेक्ट करवाएंगे मुस्कान से। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं बहुत देर से बैठा हुआ ऑलरेडी और कुछ देर में आता ही होगा गिफ्ट। वैसे कोई आया, अरे देखना कौन है गेट पे, देखो कोई है मेन गेट पे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। कौन है, गिफ्ट है, किसका गिफ्ट? चले बाहर, बाहर चल के देखते हैं, बाहर चल के कौन है, क्या है, क्या है गिफ्ट, किसका? कुछ लगा भी है इस पे तो, चिट्ठी लिखा भी है कुछ, मैटर मेरे लिए गिफ्ट है, लंबा चौड़ा चिट्ठा। पढ़ो तो दो क्या है, दिखाओ ना, दिखाओ मैं पढ़ूं। I'm your crush. I'm your crush? ये कौन आ गया I'm your crush? तुम्हारा तो कोई वो नहीं है। क्या नहीं है, मेरा क्या होगा, तो नाम तो मेरा ही लिखा है, मगर दिया किसने? दोस्त ने। मेरा को कौन दोस्त देगा, ऐसे कैसे ऐसे दोस्त गिफ्ट नहीं देते इस तरह से। लिखा क्या है दिखाओ, मैं पढ़ के दिखाऊं, दिखाओ देखो मैं पढ़ के क्या है। ये स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे कुछ पिछले दिनों से बात नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तुम्हें फोन भी किया था मगर पता नहीं किसी चुड़ैल ने उठाया था, और बोल रही थी अब फोन ना करना कभी भी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट भेजती हूँ, और प्लीज मुझसे जल्दी ही बात करना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारा किसका है ये? बिना ब्रांड जाता फ्रॉम दिव्या। दिव्या, हु इज दिव्या? वही तो मैं पूछ रही, कौन है? मुझे क्या मालूम कौन है दिव्या, कौन है जो मेरा नाम लिख के भेज, तो मैं मुझसे किसने बात कर ली है? मेरा फोन तुम्हारे पास नहीं रहता, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ टाइम पहले हो सकता है ना? क्या कुछ टाइम पहले? मैंने किसी से बात नहीं की है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अरे तो भाई लिखा है तो मेरे नाम पे कोई स्कैम कर रहा है, कौन भेज रहा है मुझे क्या पता। तो यार बताओ, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है ये, पिछले कुछ दिनों से हमारी बात, तो तुम्हें लगता है मैं बात करूंगा किसी से? क्या पता किससे कर रही हूं। अरे यार हद हो गई तुमसे यार, मैं तो फोन भी नहीं चेक करती। ओहो, फोन तुम्हारे हाथ में रहता है वैसे यूजुअली, अब इसको खोल तो दो, ऐसा क्यों शौक मना रही हो चिट्ठी को हाथ में लेके? तो गिफ्ट पहले ये तो बताओ है किसका। अरे यार सच में मुझे नहीं पता, मुझे पता होती मैं तुम्हें बताता नहीं यार किसका है। तो लिखा हुआ है कि बात हो रही है, खोलना तो भाई मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता किसका होगा, दिखा तो दो पहले मुझे बताओ। अरे यार सच में नहीं पता, कसम से नहीं पता, कसम से नहीं करता तो यार। अरे यार हद हो गई, चलो इसको खोलो, बहुत देर हो गई। बता दो, अरे मुझे नहीं मालूम सच में। नहीं अच्छा देखना लिखा हुआ है सारी चीजें, तो लिखी हुई है तो मुझे क्या पता दिव्या कौन है, हु इज दिव्या, आई डोंट नो जिससे तुम बात कर रहे हो। अरे यार मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा, नथिंग यार, क्रश भी लिखा है। तो पता था मैंने नाम लिख के भेजा, अगर ऐसा कोई होता तो अगर कोई मेरे नाम पे भेज रहा तो उसमें मेरी गलती है क्या, बताओ तुम खुद बताओ। चलो बात करोगे वो अपना नाम तो लिख के भेजेगा, किससे जिदार होगा। अरे नहीं यार सच में मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नाम है। तो मुझे क्या पता किसने भेजा है, तो फिर किसका है, तुम्हारा तो नाम है, चुड़ैल भी लिखा है। चलो बाय द वे फेंको इसको फाड़ के। अरे तो यार उसे भी क्या जरूरत, मतलब तुम्हें क्या जरूरत थी पिक करने की, तो तुम्हें पता था आने वाला है। अरे मुझे नहीं मालूम, लाओ ये तो खोलोगे, तो मतलब तुम्हें पता था आने वाला है। अरे मुझे नहीं मालूम, हाँ मैं करता ना पिक, मुझे पता चलता तो कैसा, मतलब पता था क्या आने। वैसे तो तुम पिक करती नहीं हो, और ये वाला गिफ्ट आया तुम पिक करने बैठ गई हो, तो मैं तो बाहर ही तुम्हें नहीं। अरे यार देखो सच में नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, सीरियसली आई एम सीरियस आई स्वेयर है। अरे वो मुंह से निकल गया, मतलब ये वाला गिफ्ट जरूरी था तुम्हें पिक करना, अगर मैं होता तो कम से कम वहीं के वहीं हैंडल करके गिफ्ट को हटा देता। अरे नहीं कुछ नहीं है सच में, कुछ नहीं है कसम से, कसम से तुम्हारी कसम कुछ नहीं है। देखो झूठ, देखो कोई
तो यहाँ पे एड्रेस कौन देगा? कम से कम अपना होना तो चाहिए ना, तुम फिर जिससे बात कर रहे तो देख तो लो उसमें है क्या। पहले यहाँ तो मैटर सॉल्व हो जाए। यहाँ पे क्या मैटर सॉल्व हो जाए बताओ, मैं इसका क्या करूँ ना, इसका नाम ना पता ना कुछ, बताओ क्या करूँ मैं इसका। इसने खाली दिव्या लिख के भेजा, ये तो कोई भी भेज सकता है ऐसे तो। ऐसे कैसे कोई भेज देगा? क्यों, अगर कोई मेरे नाम पे गलती से स्कैम कर रहा हो तो फिर? ऐसे कैसे? ऐसा तो लड़ाई झगड़े वाला सीन है। कौन भेजेगा, कौन इतना वो? अरे भैया ये कुछ ऐसे कोई नहीं भेजता, ये कुछ नहीं है ऐसे मतलब नहीं कोई भेजता नहीं है, मुझे बताओ। तो मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, मैं बता दूंगा। चलो पहले गिफ्ट खोलो, चलो जल्दी खोलो। अच्छा, जल्दी खोलो मतलब नहीं है ना कुछ खोलो खोलो खोलो, बाय द वे जल्दी खोलो, जल्दी खोलो खोलो तो सही। अब उसको फटाफट खोलो जल्दी से उसको। मेरे नाम पे ऐसा कौन कर सकता है यार स्कैम, बताओ लिटरली। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे बताओ स्कैम, तो स्कैम तो मैं झूठ नहीं बोलता तो भाई मैं यही बोलूंगा स्कैम। और क्या बोलूं जब मैंने मेरा तो भाई मेरे किसी रिलेटिव्स ने या फिर किसी जानने वाले ने ऐसा फ्रेंड किसी ने भी भेजा, किसी ने प्रॉपर एड्रेस किसी को ध्यान नहीं है हमारे घर का प्रॉपर। हां बिल्कुल बकायदा फोर्थ फ्लोर पर ही यहीं पर ही आया। ओह बाय द वे तो मुझे नहीं पता था चिनाइश पर, तो तुम किसी को बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। चलो निकालो यार बाय द वे, ज्यादा वो मत करो तुम। ज्यादा वो का क्या मतलब होता है? आ गया गिफ्ट, आया भी क्या है और पता भी है कि तुम ज्यादा यूज करते सिग्नेचर एक्स दिखाना, दिखा पहले दो मुझे बताओ, दिखा तो दो पहले मुझे बताओ। क्या बताओ? पता भी है कि परफ्यूम ज्यादा यूज करते हैं तो मुझे नहीं पता ना, दिखा दो तो, खोल के खोल दो सही, दिखा दो तो, खुशबू तो सूंघा दो इसकी क्या अच्छा लगे। दिखा दो, मैं सूंघ रहा हूँ उसकी खुशबू कैसी दिखा। अच्छी है बस, सही है। नहीं पहले मुझे तुम बताओ। क्या बताऊँ? बताओ क्या क्या है, क्या है, क्या सीन है? अरे भाई मुझे नहीं पता सच में। तो फिर तुम्हें यार मुझे प्रॉपर एड्रेस तो वाकई में किसी को नहीं पता, सही कह रही हूँ मैं भी। अच्छा बता दूंगा भी, रुक जाओ पहले पहले उसकी दिखाओ ना खुशबू। क्या खुशबू करना ही क्या है फिर? दिखा दो तो। नहीं पहले बताओ ना, एक बार ही दिखाओ। क्यों दिखाओ, क्यों दिखाना है, देखने भी क्यों है? एक बार ही दिखा दो, जब तुम्हें पता ही नहीं कि किसने भेजा है तो। अरे तो मुझे नहीं पता किसने भेजा, तो कम से कम जो चीज है वो दिखा तो दो। दिखाओ फिर, हो सकता है मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो वो चीज। नहीं कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यार, मुझे नहीं पता, पहले बताओ मुझे। कसम से मुझे नहीं पता, कसम से। तो फिर कसम से मुझे नहीं पता। अच्छा पूरा नाम वाम लिखे हुए ऐसे कैसे, नाखून वाखून नहीं मारो, मैं भी मार दूंगी फिर। अच्छा दिखा दो तो, एक बार ही दिखाओ। नहीं देखने वेखने का कोई सीन नहीं है। मेरे लिए सिग्नेचर का परफ्यूम भेजा किसी मेरे चाहने वाले ने, और इनका कहना चाहने है कि वाले। ऐसा कुछ नहीं है, मजाक की बात है सब। आ गया ना गलती से, यहाँ ट्रांसफर हो गया, हो सकता है कोई और सलमान हो बिल्डिंग में, हमें क्या पता बिल्डिंग में। बिल्डिंग में हम क्या हर एक को तो नहीं जानते, कोई सलमान नहीं होगा, होगा डेफिनेटली होगा, हो सकता उसको भेजा गया हो। इसमें कोई, इसमें कोई मेरा फोन नंबर या कोई एड्रेस वगैरह लिखा है बताओ? लिखा नहीं है उसमें, लिखा था जो उसमें सिर्फ मेरा नाम है, उसमें सिर्फ मेरा नाम है और उसमें लिखा हुआ है बाय द वे फ्रॉम दिव्या। हेलो बाय द वे, जल्दी से दिखाओ, दिखा दो एक बार खुशबू सुंघा दो फिर सब बता दूंगा, सब सच बता दूंगा कसम से। ऐसे दिखाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं खोल के दिखाओ। अरे क्या जरूरत है खोलने खालने की, लो सूंघो ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा कोई बात नहीं, बॉक्स में लो सूंघो। तो तुम क्यों खिलस रही हो, तुम्हें एक वो चुड़ैल का डायलॉग पढ़ती तुम खिलसने लगी हो, खामा खा का ये गलत है सीन, समझी? और तुम हंस रहे हो और मुझे हकीकत में नहीं पता किसने भेजा, कौन फ्रॉड कर रहा है मेरे नाम पे, स्कैम कर रहा है ये, दिखाओ। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे यूजुअली। देखो यार मैं पसीनों में हो गया जरा सी देर में, गर्मी लगने लगी, दिखाओ अब जरा सा लगा के तो दिखा दो है कैसा लगा रहे हैं। एक बार ही खुश पता नहीं है ना, कौन फेंक देते हैं खामा खा, फेंक देते हैं पता नहीं ना हमें किसका है, पता नहीं कौन सलमान हो। अरे यार देखो बहुत देर हो गई, नहीं पता नहीं ना हमें कौन सलमान हो, क्या पता किसी वाक्य में किसी और। क्यों खामा खा में ड्रामे कर रही हो, कुछ नहीं है ये, वैसे ही गलती से आ गया। कोई बात नहीं गलती से फेंक देते, हमारा है ही नहीं तो हमें लेना भी नहीं है ना, हमारा है नहीं तो हमें लेना भी नहीं है ना, है ना हमारा है नहीं। हाँ तो फिर हमें लेना ही नहीं है। एक बात बताऊं तुम वीडियो देखोगे तो तुम पता चल जाएगा। हाँ तो जब वीडियो देख लेंगे तो फिर कूड़े में। यार ये तो गलत बात है, कूड़े में खामा खा। कोई बात नहीं वैसे भी हमारे काम। अबे भाई वो मेरा ही है। नहीं नहीं नहीं। ये प्रैंक वीडियो था वो, कुछ नहीं इसके अलावा, प्रैंक कसम से प्रैंक। ऐसे कौन है? प्रैंक के ऊपर भी बिलीव नहीं है। प्रैंक कौन आएगा, कौन आएगा क्या? मैंने बोला था किसी को देने के लिए बाहर से,
नीचे बिल्डिंग के नीचे गए थे, मैंने भाई जरा दे देना यार ये गिफ्ट, कुछ प्रैंक वीडियो बना रहा है, मैंने उसको बता दिया था, देखो प्रैंक वीडियो, कसम से स्वेयर, आई स्वेयर, मजाक नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, प्रैंक वीडियो। तो तुम इतना देखने के लिए क्यों बेताब हो रहे हो तुम्हारा ये तो? चलो अब तुम रख लो, कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मली छोटा सा प्रैंक वीडियो था, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में। अच्छा तुम्हें कैसा फील हुआ? आई एम, ये नहीं चिट्ठी है पड़ी हुई, और ये मैंने लिखी थी, किसी और ने नहीं लिखी, ये एक मैं प्रैंक वीडियो कर रहा था, तो तुमने मेरी तुमने मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं पहचानी, तुमने हैंडराइटिंग भी नहीं पहचानी, कम से कम राइटिंग तो मैंने वैसे लिखा था प्रैंक बनाने के लिए, क्या खूब लिखा ये स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे कुछ पिछले दिनों से बात नहीं कर पा रही हूँ, मैंने तुम्हें फोन भी किया था मगर पता नहीं किसी छोड़े लौट आया था और बोल रही थी अब फोन ना करना कभी भी, तो मैंने सोचा कि तुमसे एक स्पेशल गिफ्ट, तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट भेजती हूँ और प्लीज़ मुझसे जल्दी ही बात करना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता, फ्रॉम दिव्या, और ऊपर फ्रंट पे लिखा है हाय डियर सलमान, आई एम योर क्रश। चुड़ैल चुड़ैल नॉर्मली प्रैंक वीडियो और कुछ नहीं था इसके अलावा, कभी तुम समझो, और देखो सुनो सुनो मेरी बात, ऐसा रियल में ना समझ लेना, समझी, रियल में मत समझ लेना, रियल में हट जाओ, उंगली तोड़ दी मेरी, ऐसे ही होगा, ऐसा रियल में ना समझ लेना, बता रहा हूँ बस मैं तुम्हें, एक छोटा सा फ्रेंड था और वो मैंने कर लिया, क्या पता, क्या पता, लाओ मेरा परफ्यूम दो वापस, मैं अपनी जगह पे रखता हूँ मेरा इतना बेस्ट परफ्यूम एक्स का। तो प्रैंक तो हो गया भाई मुकम्मल, ये होता है जब वाइफ के सामने एक्स गर्लफ्रेंड का अगर कोई ऐसा गिफ्ट वगैरह आए, रिएक्शंस, सवाल, हर चीज़ आ गई हो तुम, चलो बैठ जाओ आराम से, अब टेंशन फ्री, अब कुछ नहीं है, ऐसा गिफ्ट दिखाता हूँ मैं आपको, देखो अब देखना, देखो 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 देखो, ये आराम से बैठ गई अंदर, इतनी बड़ी, तू बैठ तो यार, हद हो गई तुझे, तू आगे से गई, बड़ा शौक आ रहा तुझे इसके अंदर बैठने का, चल बैठ ही आराम से, बैठ जा, कोई टेंशन नहीं, बैठ जा, मैं तुझे बंद कर देता हूँ, ये ले अमेजिंग अमेजिंग, देखो चलवाओ हाथ, मुंह अंदर करो, बैठ गई आराम से, देखो देखो अब उठाऊं, देखो ये कमाल का प्रोडक्ट आया हमारे घर पे, कमाल का पेश है हमारे घर, कमाल का प्रोडक्ट, बैठ जाओ आराम से, बैठी रहे। तो गाइस अभी टाइम हो गया रात के 1:45 का, नहा धोकर पूरा मैं प्रॉपर भाई फ्रेश हो गया, क्योंकि कल फ्राइडे है ना, स्पेशली ज़रूरी है नहाना धोना, कल फ्राइडे आराम से उठते ही फटाफट फ्रेश होके नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, फिर मुस्कान की बननी स्टार्ट हो गई है रोटी, रात के पौने दो बजे हम रात का डिनर करेंगे, बहुत अच्छे, सब्जी है वही वाली गोभी, चलो बराबर, जल्दी कभी हमारी टाइमिंग बड़ी मस्त हो जाती है, रात के 1:45 डिनर का टाइम, वाह, रात के 1:45 डिनर करने में थोड़ा सा मैं व्लॉग वगैरह एडिटिंग करने में इधर उधर टाइम थोड़ा सा लगना ही है यूजुअली, बाकी इसके अलावा अभी मुझे नेल भी कट करने हैं यार, क्योंकि बहुत बढ़ रहा है ना, ज़रा से ही बढ़ते हैं ना मुझे प्रॉब्लम होती है यार नेल्स में, पता नहीं ऐसा क्यों, सभी को होती है वैसे, तो मैं करता हूँ फटाफट नेल कट, क्योंकि बहुत जल्दी करना होगा, मुस्कान का खाना वगैरह बनने वाला है, रोमीटर करते हैं ऑन भाई, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, ये बढ़िया है ठंड का जुगाड़ मेरा। तो फाइनली गाइस मैं अब हुआ हूँ पूरा प्रॉपरली फ्रेश, यानी कि नेल्स वगैरह कट करके, और अब मेरा टाइम आ गया है खाना खाने का, जो कि मेरी गोभी रेडी हो गई है, गोभी आलू गोभी थोड़ी सी है, और मुस्कान बना रही है थोड़े से अंडे, क्योंकि अंडे के साथ में खाने वाले हैं, है ना, लाओ लाओ, क्या हो गया, क्या हो गया, अपने लिए बनाया मैंने, अपने लिए लाओ अंडे, तुम खाओ गोभी, मैं अंडे खाऊंगा, तो तुम मेरे सामने कर क्यों रही हो इस तरह का प्रैंक, तुम्हें पता है मैं अंडे खाता हूँ, और मेरे सामने तुम अंडे बना के लेकर आई हो, वो भी अपने लिए, मेरे लिए नहीं, एक अंडा दे दो, लाओ एक अंडे का कोई वो नहीं, चलो आधा, अच्छा मिक्सअप करके खाएंगे, धमकी, जाने नहीं दूंगा बाहर, यहीं से लगा दूंगा मैं कुंडी, अरे आधी तुम गोभी खा लो, आधी तुम ये खा लो, नहीं 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 थोड़ी सी खानी पड़ेगी, नहीं मैं बिल्कुल, तो तुमने मेरे सामने करा क्यों, तुम मेरे लिए एक्स्ट्रा बना के लेके आती, एक्स्ट्रा लेके आना चाहिए था तुम्हें बना के, तुम भी तो कितनी चीजें खा, अभी रुको अभी रुको, अभी कैमरा बंद कर, अभी निपटता हूँ, तुमसे रुको, फिलहाल तो खाते हैं गोभी और साथ में अंडे,
जो कि आधे अंडे खाऊंगा, आधे अंडे खाऊंगा चुप रहो फिलहाल, फटाफट से खाते हैं, भूख लग रही है यार, तुमने इतना टाइम कर दिया आज लिटरली। तो फिलहाल गाइस खाना वगैरह खाकर पूरा प्रॉपरली निमड़ गया, फिर चाय वगैरह पी ली और फिर उसके बाद से मैंने व्लॉग को एडिटिंग पर लगा लिया। ऑलमोस्ट मेरी एडिटिंग काफी हद तक कम्प्लीट हो गई है, बस ये लास्ट का पार्ट और एडिट करके उसके बाद अपलोडिंग शेड्यूल सब काम करके सो जाना है। आधा पौन घंटा मुझे भी तकरीबन और लग सकता है और पौने चार बजे का वक्त हो गया, चार बजे हम अप्रॉक्स कह सकते हैं। फिलहाल इस वाले ब्लॉग की मैं करता हूँ यहीं पर समाप्ति। आई होप कि आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके दबाइए कर दो। जिंदगी रही तो मिलेंगे अगले दिन प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।